हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं भाई कार सेलर सिमुलेटर के आने वाले कुछ बढ़िया बढ़िया अपडेट्स के बारे में, जो कि भाई अब की विंटर में आएगा और वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब अपडेट्स होंगे। और हाँ, एक अपडेट तो अभी आ भी चुका है, रात में ही आया था, आप लोगों को भी मिल ही गया होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए भाई ये फोटो देखो और इसमें जो जो लिखा है भाई वो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, मतलब कि क्रिसमस से पहले हो सकता है आ जाए। मतलब कि अपने पास एक महीना है, एक महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें अपने इस वाले गेम में आने वाली हैं। तो भाई देखो इसमें क्या क्या लिखा है कि इसमें भाई क्रिसमस अपडेट आएगा और भाई उसके साथ साथ यहाँ पर स्नो मैप आएगा, मतलब अपने पूरे मैप में भाई यहाँ पर स्नो स्नो ही होगी। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बाद भाई यहाँ पर कुछ मिशंस होंगे, नई कार की स्किन्स होंगी, जैसा कि अपने हैलोवीन अपडेट में आने वाला था पर किसी रीजन की वजह से नहीं आ पाया, तो वो अभी विंटर अपडेट में आएगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर स्नोमैन है और उसके अलावा भाई ऑफिस का नया लुक आएगा। अब ये भाई नया लुक क्या है, ये मतलब कि अपना नया ऑफिस हो सकता है, पर ऐसा हो सकता है कि इसको मतलब इस तरीके से आप ले सकते हो कि ऑफिस एडिट मोड ही को यहाँ पर ये लोग नया लुक दे रहे हो, तो मतलब कि वो नया लुक एज अ ऑफिस एडिट मोड आए और हम बाद में उसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से जो है उसको एडिट कर सकें, ऐसा भी हो सकता है। अभी के लिए भाई फिलहाल हम लोग चलते हैं, अपना जो अपडेट आ चुका है उसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें आई हुई हैं। यो हो गाइस, तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हो आप लोग भाई अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में भाई काफी ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं, मतलब चेंज नहीं हुई हैं, पहले से ही थी, उसको थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया गया है। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे भाई, तो यहाँ पर एनपीसी कैरेक्टर इम्प्रूव किया गया है, एम्प्लॉय को अपग्रेड किया गया है, ड्रैग रेस का जो इन्वायरमेंट था भाई उसको इम्प्रूव किया है और यहाँ पर नेक्स्ट बिग अपडेट जो लिखा रहता था वो अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि अभी बड़ा अपडेट आना बाकी है। तो भाई चलो चलते हैं गेम में, फिलहाल अपना जो गेम है वो अपडेट हो चुका है। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने गेम में और भाई यहाँ पर हम सोकर उठे हैं अभी अभी और यहाँ पर ऐसी तो कोई चीज़ें देखने में चेंज लग नहीं रही हैं। अभी फिलहाल अपने यहाँ पर कार पर बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है उसके हिसाब से तो भाई यहाँ पर NPC यानी कि जो नॉन प्लेबल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो अपने नेबरहुड में लोग होते हैं जो गाड़ियाँ बेचते हैं, तो वो सब हैं NPC। तो देखते हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर भाई बंदे बैठे हुए हैं, एक मिनट भाई, यहाँ पर ये बंदा सूट बूट पहन कर बैठा है और भाई काफी ज्यादा मतलब बढ़िया देखने में लग रहा है। इसके पैर थोड़ा हिल रहे हैं, कांप रहा है, जैसे कि लग रहा है मुझसे डर रहा है। क्या भाई, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई और कैरेक्टर्स को कि उनमें क्या चेंजेस हुआ है। वैसे हाँ, ये वाला कैरेक्टर देखने में तो थोड़ा पहले से बेटर लग रहा है, पहले के कैरेक्टर थोड़े भद्दे से लगते थे देखने में, अभी ये थोड़ा मतलब सही लग रहे हैं सारे के सारे। तो अभी इस तरफ भी चलते हैं भाई, यहाँ पर भी कैरेक्टर्स हैं और इनको भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर नीचे उतर कर देखते हैं। यार उतरने की ज़रूरत है नहीं, वैसे भी ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ तो ये थोड़ा गोरा कर दिया इन लोगों को, चेहरा थोड़ा सफ़ा कर दिया है और कपड़े का स्टाइल भी चेंज कर दिया है, मतलब ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं ये सारे के सारे लोग। मतलब कि हाँ ठीक है भाई, ये ज़रूरी भी था क्योंकि यार ये भद्दे लोग ना देखकर बेकार लगता था, अभी लग रहा है कि हाँ थोड़े इंसान टाइप लग रहे हैं, पहले भी लगता था पर थोड़े ऐसे बदतमीज़ जो हम लोग कहते हैं ना मलिच्छे टाइप के लगते थे, जो नहाते धुलते नहीं थे, पर अभी यहाँ पर वो लोग जो है वो साफ सुथरे हो चुके हैं। और यहाँ पर अपने रेड बार पे ये चीज़ चेंज हुई है, ये पहले नहीं थी। हाँ शायद पहले नहीं थी या थी, थोड़ी छोटी थी मुझे नहीं पता, पर हाँ ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। ये जो चारों तरफ अपनी बाउंड्री है ना भाई, ये पहले ऐसे नहीं थी, दूसरी तरह रही होगी, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। अभी यहाँ पर एक बंदा भी पहले भी रहता था, अभी भी है, पर हाँ इसके जो पहनावे हैं भाई वो पहले दूसरी तरीके से थे, अभी इसका जो ड्रेस है वो चेंज हो गया। और यहाँ पर अंदर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भाई बारटेंडर है ये भी थोड़ा बदल गया है, पहले इस तरीके से नहीं था जितना मुझे याद है, पता नहीं अब मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है। हाँ पर इस तरीके से तो नहीं था भाई, सूट नहीं पहनता था, कुछ और ही पहनता था शायद। और यहाँ पर भी लोग भाई इम्प्रूव हुए हैं, मतलब कि हाँ जितने भी अपने गेम में नॉन प्लेबल कैरेक्टर यानी कि NPC थे सभी के सभी यहाँ पर चेंज हुए हैं। और यहाँ पर ये सीक्रेट रूम है वो अभी भी बंद है, तो चलते हैं यहाँ पर। एक मिनट भाई, ये देखो सस्ते नशे होने लगे भाई साहब, ये नहीं गया अभी तक, सस्ते नशे हमेशा ही होंगे बियर पीने के बाद। अभी फिलहाल इसको अवॉइड करते हैं और चलते हैं अपनी मस्टैंग में बैठते हैं और भाई यहाँ से चलते हैं ड्रैग रेस चलें क्या, क्योंकि भाई ड्रैग रेस यहाँ से मतलब नज़दीक है, पहले वही पड़ेगी, वो बगल में ड्रैग रेस होती है, तो पहले ड्रैग रेस चलते हैं। और क्योंकि वहाँ का भी इन्वायरमेंट इन्होंने चेंज किया है, तो भाई देखना तो बनता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हम वो बाद में डिसाइड करेंगे कि वो चेंजेस जो हैं वो बढ़िया हैं या फिर बेकार।
तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम लोग ड्रैग रेस पर पहुंच चुके हैं और ये भाई बियर का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। पता नहीं कितनी सॉलिड बियर थी। और यहाँ पर एक सुप्रा है भाई, सुप्रा एम के 5, इससे हमारी रेस होने वाली है। तो चलो इसी से करते हैं। वैसे मुझे लगता है सुप्रा जो है वो मस्टैंग को हरा देगी, पर भाई हमें रेस हारने जीतने के लिए नहीं जा रहे हैं। एक मिनट भाई, यहाँ पर वाकई में इसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया यार इन्होंने। और मैं सही बताऊँ तो भाई ये पहले से थोड़ा बेटर ही लग रहा है देखने में। हाँ, पहले यहाँ पर लोग खड़े रहते थे यार, फोटो वगैरह खींचते। ओ भाई साहब, यहाँ पर आगे की तरफ देखो भाई, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, पूरी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट हुई है और लोग बैठे हुए हैं, लोग रेस देखने आए हैं। पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर भाई, केवल रोड ही थी और हम लोग बस गाड़ी दौड़ाते थे। और भाई यहाँ पर अभी भाई देखो साइड साइड में क्या ही बढ़िया चीज़ें बना दी हैं, मतलब कि भाई ये इस अपडेट की सबसे बेस्ट थिंग होगी। वैसे अभी मैंने अपने ऑफिस की तरफ नहीं गया हूँ तो, लेकिन ये मुझे लगता है ये बेस्ट थिंग है भाई। यहाँ पर ड्रैग रेस भी शुरू हो चुकी है और मैं बातों बातों में चला भी जा रहा हूँ। और भाई सुप्रा आगे भी चली गई है, मैं हार भी जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई जो चेंजेस हुए हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया लगे, इम्प्रेसिव भाई, बढ़िया चेंजेस हैं अपने ड्रैग रेस के। और तो नहीं पता, पर हाँ ड्रैग रेस में जो चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अभी फिलहाल हम लोग वापस आ चुके हैं भाई अपने ड्रैग रेस से। यहाँ पर माजडा आ चुकी है भाई, माजडा से नहीं करेंगे, सुप्रा से हार गए भाई। माजडा से तो और ज़्यादा बुरी तरीके से हारेंगे, उसके लिए मुझे यहाँ पर निसान GT-R लानी पड़ेगी, पर उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं अपने ऑफिस की तरफ। उससे पहले भाई इन्होंने कहा था कुछ कार वॉशिंग में भी कुछ इन्होंने फिक्स किया है, तो यहाँ पर चलकर देंगे, पर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्योंकि भाई हम लोग जो है कभी भी अपनी कार वहाँ से वॉश करवाते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं शायद, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पर भाई ये कैरेक्टर्स जो हैं, यहाँ पर जो वर्कर रहते हैं इनका कैरेक्टर चेंज हुआ है, बाकी तो चीज़ें मुझे वैसे की वैसे ही लग रही हैं। और देखेंगे अभी आगे अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पर यहाँ पर कैरेक्टर के अलावा शायद कुछ चेंज नहीं हुआ है। इधर अंदर की तरफ देखते हैं भाई, अपनी जो रिपेयर शॉप है यहाँ पर भी कैरेक्टर्स को इन्होंने जो है वो चेंज किया है। अभी यहाँ बढ़िया लग रहे हैं कैरेक्टर्स भी देखने में भाई, पहले से तो बेटर ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है पर हाँ पहले से तो बेटर है। तो यहाँ पर अपनी Audi R8 को रिपेयर पर हमने लगा दिया है। अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ से रवाना होते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा अपना काम है नहीं। अभी तक हम ऑफिस नहीं पहुँचे हैं भाई, ऑफिस नहीं पहुँचे हैं। और अपने वर्कर का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो भी देखना तो बनता है ना भाई, क्योंकि हमारा एम्प्लॉई है तो हम तो देखेंगे ही ना भाई कि पहले कैसे था अब कैसे है, कैसा काम कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। उससे पहले मैं यहाँ पर जंकयार्ड जाऊँगा क्योंकि जो जैक है मोटा अपना भाई, मुझे ये भी देखना है कि वो भी चेंज हुआ है या फिर नहीं। पर मुझे लगता है भाई वो भी चेंज हुआ ही होगा। हाँ भाई ये भी चेंज हुआ है, जैसा कि भाई सबके साथ चेंजेस हुए हैं तो इसके साथ भी चेंजेस हुए हैं। पर यार अबे ये पहले से कुछ ज़्यादा ही मोटा नहीं लग रहा यार आप लोगों को देखने में? और भाई देखो, और भाई इसका चेहरा यार कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है और शरीर काफ़ी ज़्यादा बड़ी भारी भरकम है और भाई बहुत ज़्यादा मोटा बना दिया इसको। और भाई देखो इसके तो गर्दन ही नहीं है भाई, जैसे कि होता नहीं मेढकों की गर्दन नहीं होती है वैसे ही भाई इसकी भी गर्दन नहीं है भाई। गर्दन या तो है और वो मुझे दिख नहीं रही है या फिर है ही नहीं। और ये कितना ज़्यादा मोटा है भाई, ये हमेशा ही हिलता रहता है क्या? हाँ पहले से तो थोड़ा बेटर हो गया पर भाई इसको थोड़ा मोटा भी बना दिया इन लोगों ने, धरती पे बोझ। और ये इतना देर खड़ा कैसे रहता है पता नहीं यार, मुझे तो सही में नहीं पता यार, बताओ मतलब कि ये इतना ज़्यादा टाइम कैसे खड़ा रहता है भाई। जब मैं आता हूँ ये यहीं पर खड़े रहता है, कोई भी काम धंधा नहीं है इसके पास। और भाई पैसे भी देता है हम लोगों को, अगर इसके ही गैरेज में से कोई भी लोहा मेटल उठाकर इसको दोगे तो ये आपको पैसे देगा। एक मिनट भाई, ये क्या है यहाँ पर, ये क्या भाई? अबे मैं ही अंदर नहीं जा पाऊँगा क्या? एक मिनट भाई साहब, इसकी क्या ही ज़रूरत थी यहाँ पर? तो इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं। और एक मिनट भाई साहब, ये अपना वर्कर है क्या भाई? काफ़ी नौजवान, काफ़ी हैंडसम लग रहा है यार। अबे पहले तो ऐसे नहीं था, पहले ऐसा गेंडा जैसे था ना, तोंद निकली हुई थी इसकी। अभी देखो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैंडसम सा लग रहा है। इसका काम देख लेते हैं भाई, वो भी बढ़िया है या फिर इसकी केवल शक्ल ही बढ़िया है। पहले अपनी कार को अंदर ले जाते हैं, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो भाई उसकी धुलाई करने तो आएगा ही ना ये, तब भाई इसको पूरी तरीके से देखेंगे। वैसे यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तो हो गया, पहले वाला जो वर्कर था वो थोड़ा मोटा भद्दा था, ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी बहुत ज़्यादा एज है। पर ये वाला जो वर्कर है देखो भाई काफ़ी नौजवान लग रहा है, एकदम पतला भाई, स्लिम है, बॉडी भी बढ़िया है देखने में, कोई मतलब बढ़िया ही लग रहा है। अभी हमें कस्टमर्स को भी देखना है कि वो कैसे चेंज हुए हैं, तो उसके लिए भाई यहाँ पर एक कार जो है वो सेल करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ यही Audi R8 भाई अपनी सेल कर देते हैं, ये अपने पास 3 है तो एक तो हम सेल कर ही सकते हैं, बाकी और गाड़ियाँ भी हैं पर मैं सोच रहा हूँ इसी को सेल करूँ क्योंकि भाई 3 Audi R8 है, एक सेल कर देंगे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलो इसको सेल पर लगाते हैं।
और इसको मैंने कितने का ख़रीदा था ये भी तो देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से ना बेचेंगे। कहाँ गई पहले ये देख लेते हैं भाई, अपनी ऑडी R8 ये रही। और इसको एक मिनट भाई, ये तो देखा नहीं कितने का खरीदा था, 5.5 लाख, तो 5.5 लाख डॉलर का खरीदा था, 1.2 मिलियन की बेचेंगे हम इसको। तो मैंने भाई लगा दिया यहाँ पर, प्राइस सेट कर दिया है, बस वेट करना है यहाँ पर कस्टमर के आने का। पर मुझे लगता है भाई कस्टमर तभी आएगा जब अपना ऑफिस ओपन होगा, और अभी तक बंद था, अभी मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो एक मिनट भाई, अब अंदर आ गए हैं, तो यहाँ से कंप्यूटर से चेक कर लेते हैं भाई कि डेकोरेशन में क्या क्या इन्होंने चेंजेस किया है। मतलब ऐसा बताया तो नहीं था कि कुछ चेंजेस हुआ है, और भाई कोई चेंजेस हुआ भी नहीं है। मतलब कि किया होता तो इन्होंने बताया होता, पर यहाँ पर कोई चेंजेस इन्होंने ना किया है और ना ही बताया। बाकी यार जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें अभी भी है यहाँ पर, मतलब कि डेकोरेशन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले था वही अभी भी है। और भाई यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ पर कस्टमर नहीं है क्या? मैं यार ये क्या तरीका है भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए यार, इतना टाइम तो लगता नहीं है यूजुअली। चलो कोई बात नहीं भाई, थोड़ा वेट कर लेते हैं, आ ही जाएंगे ये कस्टमर। और ये हाँ भाई, ऑफिस एडिट मोड जो है वो अपना हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में आए। और भाई ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में ही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं भाई, जितनी भी चीज़ें, वो मैप वाला और मतलब स्नोमैन, क्रिसमस अपडेट, वो सारी चीज़ें भाई एक साथ भी आ सकती हैं, क्योंकि एक ही महीने बचा हुआ है अपने क्रिसमस आने में। और यहाँ से हम लोग भाई अपना शोरूम बाहर से भी बंद कर सकते हैं, मतलब दो बार यहाँ पर बंद कर सकते हैं, एक तो मेन डोर जो है, उसके बाद भाई ये यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे वैसे, इसको बोलते क्या है वो मुझे यार ध्यान नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हो। अपनी यहाँ पर वॉक्सवैगन बीटल है भाई, इसको मैंने कितने दिनों से खरीद के रखा है भाई, इसको अंदर लेकर चलते हैं। अभी तक भाई ये शोरूम के बाहर ही पड़ी हुई है, तो इसको भी अंदर लेकर चलते हैं। और शायद यहाँ पर भाई कोई कस्टमर आ गया है, हाँ एक कस्टमर आ गया है, तो कार को यहीं पर पार्क करते हैं और भाई पहले कस्टमर से डीलिंग करते हैं और देखते हैं भाई ये कस्टमर है कैसा। और भाई मैंने यहाँ पर रास्ता भी बंद कर दिया है ताकि ये जा ना पाए, और देखेंगे कि ये कैसे जाता है। एक मिनट, मैं गाड़ी में कहाँ बैठ रहा हूँ। हाँ तो भाई ये रहा अपना कस्टमर, चल भाई तू इधर देख, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रहा है पहले से तो, हाँ थोड़ा बहुत ही फ़र्क है यहाँ पर, अभी तो और कस्टमर आएंगे तो पता चलेगा। और ये मुझे भाई ऑफ़र कर रहा है 6.98 लाख, जबकि मैंने 1.2 मिलियन लगाया, चलो 8 लाख की बेच देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये लेगा तो उससे नीचे तो मैं नहीं, ओ भाई 8 लाख की ले गया, चलो ठीक है। एक मिनट, एक कस्टमर यहाँ पर आया था। अबे भाई ये झाड़ियों में से कहाँ जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब ये लॉक वॉक लगाने का, ये इतनी सारी चीज़ें करने भाई, जिनके लिए लगाया है वो तो आराम से आ जा रहे हैं, और मैं हूँ भाई इसका ओनर और मैं ही यहाँ से आ जा नहीं पा रहा हूँ यार, ये मेरे लिए लगा है क्या? अब भाई साहब ये क्या तरीका है, ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं पर। अभी के लिए भाई इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।